सभी को नमस्ते। मैं एक जरूरी इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ मैं अपनी वीडियो के साथ। मेरे घर में दो कैंसर पेशेंट हैं। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, उनको इस जून में 3 साल हो जाएंगे। मेरे जीजाजी हैं, वो अभी ठीक हैं और भगवान की कृपा है कि वो ठीक ही रहेंगे। उनके माउथ का कैंसर था जो मतलब अभी ठीक है, ठीक है। मेरी माँ के प्लाज्मा सेल लुकूमिया था जो 100 में से 10 लोगों के होता है, और उनका 5 साल तक इलाज चला था यहाँ दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में। अगर आपके घर में कोई भी कैंसर का पेशेंट है और आपको कुछ जानना है, देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन 5 साल माँ के साथ रही मैं, सात आठ साल अब जीजाजी के साथ हो जाएंगे मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का कि हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, ये दिक्कत है तो कौन सी टेस्ट कराना चाहिए, ये दिक्कत है तो कौन सा होना चाहिए, और एग्जैक्ट टेस्ट कैंसर का कौन सा होता है और क्या क्या रीजंस होते हैं जिसे हमें मतलब ये लगे कि हमारे कैंसर हो गया है। तो अगर आपको कुछ जानना है, अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे जितना मुझे पता होगा उतनी मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपने सिलाई भी सीख ली है, आपने फिनिशिंग भी कर ली है अपने हाथ में, फिनिशिंग तो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे होती चली जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कस्टमरों की कि भाई कस्टमर को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें। एक तो आप शुरुआत में ही कोई भी दुकान किराए पे नहीं लोगे, बुटीक के लिए कोई भी दुकान किराए पे नहीं लोगे, क्योंकि उसका किराया हमारे सिर चढ़ के बोलता है। फिर जब हम इतना अर्निंग्स नहीं कर पाते तो हर महीने ओनर तो भाई लेगा किराया, किराया लेगा, तो वो इशू हमें शुरुआत में नहीं करना है, दुकान नहीं लेनी है, हमें घर से ही शुरुआत करनी है, घर से या जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे लोग ज्यादा आ सकते हैं तो वहां पे आपको शुरुआत करनी है। अच्छा, एक बोर्ड लगाना है आपको घर के बाहर, उस बोर्ड पे लगाना है आपको यहाँ पे फॉल पिको सिलाई अल्ट्रेशन सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए पिको की मशीन, पिको भी बाहर हो जाती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंटरलॉक भी बाहर हो जाता है, इंटरलॉक की मशीन लाने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, ये भी बाहर हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक सिलाई मशीन लानी है, कैंची और धागों का इंतजाम करना है, ये करना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको फॉल अगर नहीं लगानी आती, जब सिलाई आती है तो फॉल ऑब्वियसली लगानी आती होगी, लेकिन फॉल लगाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, फॉल हो गया आपका, हुक तुरपाई हो गया, इनमें टाइम लगता है, तो आप ये भी अरेंज कर सकते हो बाहर से, फॉल लगाने वाली भी मिल जाती है, हुक तुरपाई वाली। आपका बिहेवियर कैसा है ये डिपेंड करता है, आप उनको जो मार्केट रेट चल रहे होते हैं वो आपको देना होता है, आपके कपड़े वो रेडी करके देती हैं, फॉल भी लगा के देती हैं, आपके ब्लाउज में हुक तुरपाई जो भी होता है वो सब करके देती हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो मार्केट रेट है उनका पता करना है कि मार्केट रेट में ब्लाउज सूट इनका क्या रेट चल रहा है, और जो रेट उनका चल रहा है, जैसे मान लो मार्केट में 500 रुपए रेट चल रहा है ब्लाउज का या सूट का जो भी है, उसमें से कम 100 रुपए कम करके चलना है, क्योंकि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो एक अच्छी खासी बुटीक बना के बैठे हैं, रेपुटेशन है उनकी, कारीगरों को पैसे देते हैं तो उनके रेट थोड़े अप होते हैं, ठीक है। तो उनसे 100 रुपए आप बैलेंस बना के चलोगे, यानी कि वो 500 ले रहे हो तो आप 400 लोगे, वो 400 ले रहे हो तो आप 300 लोगे, ठीक है। दूसरा, एक जब भी कोई कस्टमर आता है ना तो आप उसको स्पेशली बोलो कि हमारे यहाँ पे रफू पिको फॉल सब कुछ करा जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा कि मैं यहाँ आ रही हूं तो मेरे सारे काम यहीं खत्म हो जा रहे हैं। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, पैसा है, टाइम नहीं है, तो आप उनके सारे काम आप खुद करके दोगे ना, तो उससे क्या होता है कि अगला बंदा घूमेगा नहीं, एक जगह से ही सेटिस्फाइड हो जाएगा और वो अगली बार भी आपके पास आएगा, ठीक है। एक अगर वो मतलब बता देता है कि आपको डिजाइन डालना है तो वेल गुड, डिजाइन डाल दीजिए आप। अगर वो नहीं भी बताता तो कोई हल्का फुल्का डिजाइन आप अपनी तरफ से लगा दीजिए, सिंपल सोवर भी लगे और अगले को समझ भी आ जाए, तो वो सोचेगा हाय मैं तो बता के भी नहीं आई थी और इसने तो डिजाइन भी डाला, कितनी अच्छी है,
एक अपनी मीठी जबान रखिए। अगर आपका सिला हुआ कपड़ा लूज या टाइट हो जाता है थोड़ा बहुत, और अगला आदमी फोन करके कहता है कि आपका, बाय चांस कई औरतों की टोन ऐसी होती है कि आपने कपड़ा सिला, कैसा सिला, मेरे को तो आई नहीं ना, मेरे तो इतना टाइट फंस रहा है, अच्छा नहीं सिला आपने तो मेरा कुर्ता बिगाड़ दिया, तो आपको रिप्लाई में क्या कहना है? अरे मैडम कुछ नहीं है, वो थोड़ा बहुत लूज टाइट होगा, वो मैं ठीक कर दूंगी, आप लेके तो आइए, अरे मैं बैठी हूं ना यहाँ पे। तो इस टाइप के टोन आपको यूज करने हैं, आप इस टाइप से आपको बोलना है। और एक सिलाई अच्छी कीजिए, जैसे मान लो कई 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 लड़कियों का, औरतों का मैंने देखा है कि जैसे फिटिंग लाने के लिए वो बहुत सारी सिलाई मारती हैं, तो उससे वो अंदर का जो सिला हुआ है ना, वो एक टेलर लुक नहीं आता, वो ऐसा आता है कि जैसे सीख तड़ने सिला है, ऐसा लुक आता है कि किसी सीख तड़ने बनाया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी हैबिट है ऐसी फिट लाने के लिए ऐसे करते हैं, बाकी मैं आपको परफेक्ट फिटिंग कैसे लाते हैं उन सब की वीडियो बनाई हुई भी है, और भी बना दूंगी मैं अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में, सूट की, ब्लाउज की, जिसकी भी बोलोगे मैं बना दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो जो फिटिंग वाली सिलाई है उसको छोड़ के सारी सिलाइयां उधेड़ देनी है, हटा देनी है सारी, वो एक टेलर लुक देगा, जब वो अंदर से खोल के देखेगी ना अपने ब्लाउज या सूट को, तो देखेगी कितनी सारी सिलाइयां, हाय ये किससे सिलवा लिया मैंने, सीख तड़ से। तो वो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, समझ रहे हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है आपको कि टेलर की मतलब आपको ये भांप लेना है कि ये कस्टमर मेरा कैसा है। कई कईयों के पास क्या होता है कि वो कपड़ा लेने आ जाती हैं लेकिन सिलाई लेके नहीं आती, पैसे लेके नहीं आते, तो वो आ गई है तो आप ये नहीं बोलोगे कि पैसे नहीं लाए तो मैं कपड़े नहीं दूंगी, ऐसा नहीं बोलते। वैसे ऐसे होता नहीं है, नॉर्मली सब कपड़े पैसे लेके आते हैं, लेकिन गांव की औरतों की आदत होती है, तो आप उनको कपड़ा दे दीजिए और उनको बोलना कि कोई बात नहीं, दो दिन में तीन दिन में आ जाएगा। तो आप दो तीन दिन बाद अगर वो दे जाती है तो वेल गुड डे, नहीं आप फोन करके ले लीजिए, कोई भी पैसा रखता नहीं है मेहनत का, कोई भी नहीं रखता। और अगर ऐसा हो भी जाता है बाय चांस, अगर कोई आपका पैसा रख लेता, आपकी मेहनत की कमाई नहीं देता आपको, तो आपको उसको अगली बार से हटा देना है, या फिर उसको रियलाइज करवा देना है कि आपने मेरे को पैसा नहीं दिया था इसलिए मैं आपका काम नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं, ठीक है। अपनी जो बात करने का लहजा है वो आप अच्छा रखिए, आपका जो सोशल बिहेवियर है वो अच्छा रखिए, आप सबको बोल के चलिए, ठीक है ना। तो इस चक्कर में आपकी फिर कस्टमर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप अच्छे पैसे कमा पाओगी, है ना। और दूसरी एक बात, जो मतलब जैसे आप सस्ता सिलोगे आप कपड़ा, तो भी आपको भी तो 100 रुपए उनसे कम लोगे तो आपको भी तो थोड़ा बहुत वो होगा, वैसे लॉस होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप उनसे 200 रुपए कम भी लोगे तो भी लॉस नहीं होगा आपको, क्योंकि ये जीरो कॉस्ट पे बिजनेस चलता है आपका। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को लॉस हो रहा है, मैं 100 रुपए उनसे कम ले रही हूँ, लॉस हो रहा है, तो आपको सारा सामान इकट्ठा खरीदना है ताकि आपको सस्ता पड़ेगा तो फिर आपका लॉस बैलेंस हो जाएगा, फिर आपको लॉस नहीं होगा। एक चीज और बताती हूँ जो बहुत काम की चीज है, कि जैसे कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो मतलब चिकचिकबाजी बहुत करते हैं, बहुत चिकचिकबाजी करते हैं, यहाँ से टाइट हो गया, यहाँ से टाइट हो गया, यहाँ से लूज हो गया, यहाँ पे फिटिंग ही नहीं आ रही, यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे वो कर दिया, इस टाइप के कस्टमर होते हैं बहुत सारे। तो उनको आप एट ए टाइम कपड़ा सील के दोगे, उनको आप जैसे आज फंक्शन है तो जस्ट शाम को ही सील के दोगे। क्यों ऐसा क्यों करना है आपको? ऐसा इसलिए करना है आपको क्योंकि एट ए टाइम दोगे ना तो उनको कमी निकालने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो जैसा भी होगा पहन के अपना फंक्शन अटेंड कर लेंगे। इससे अगर वो बाद में आते भी है ना कि भाई ये हो गया तो वो उसमें फिर आपको टाइम मिल जाएगा,
नहीं, वो फिर वो एक ही कपड़े में उलझाए रखते हैं कि मैं उलझाए रखते हैं, उसकी वजह से लॉस होता है। पैसे कम करने की वजह से लॉस नहीं होता, उसमें एक ही कपड़े में उलझे रहोगे आपको पैसा वही मिलना है, वो टाइम किल होता है आपका, तो उसमें लॉस होता है आपका। तो ऐसे कस्टमरों को एट ए टाइम सेल करो। तो मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी हो, आप मेरे आइडिया अच्छे लगे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलती हूँ अच्छी।